दोस्तों, जब पेशेंट मेरे यहाँ आता है और हम उसका इलाज करते हैं, नो डाउट एडमिट के दौरान उन्हें हम रिलीफ देते हैं, हम उनकी क्रिएटिनिन को कम करते हैं, डायलिसिस को बंद करने की कोशिश करते हैं, उनको लाइफस्टाइल सिखा देते हैं। लेकिन ये पेशेंट्स जब वापस जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो कोई इलाज या ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। वो ऐसी कुछ गलतियाँ कर जाते हैं कि वो अपनी स्थिति को फिर वापस वहीं लेके आते हैं जिस स्थिति में वो हमारे यहाँ आए थे, और हम समझा समझा के थक जाते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। और आखिरकार ये लोगों से बोलते हैं कि आरोग्यम का इलाज सही नहीं है, शुरू में आराम मिलता है, बाद में दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, आज मैं एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। चाहता तो नहीं था, लेकिन जरूरी है कि मैं बताऊँ ताकि आप जान पाए कि लोग कैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और बाद में ब्लेम किसी और को करते हैं, आरोग्यम को करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे केस का, नाम है विप्लव महतो, वेस्ट बंगाल के निवासी। कुछ दिनों पहले उनकी किडनी खराब हुई, डायलिसिस के लिए डॉक्टर्स ने बोला, और वो ढूंढते ढूंढते पूरे इंडिया में सर्च करते हुए फाइनली बी के आरोग्य में हमारे यहाँ पहुंचे। हमने एडमिट में लिया और उनको डायलिसिस से बचाया, उनकी क्रिएटिनिन को बैक कर दिया। उनकी इस वीडियो की क्लिप देखिए कि जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आए तो उनको किस तरह रिलीफ मिला था। माय नेम इज, मेरा नाम है संजीव महतो है। ये पेशेंट विप्लव कुमार महतो है, मेरा जीजा जी लगते हैं। विप्लव कुमार महतो एज 38 है। हम लोग आए हैं खड़गपुर से, वेस्ट बंगाल। पहले हम लोग जांच किया था, जो क्रिएटिन का पता चला प्रॉब्लम, तो हम लोग पहले गया था कटक, रिक्शा से जांच किया है। उधर लगातार दवाई खाया था हम लोग। लगातार दवाई खाने के बाद पोजीशन क्रिएटिन का थोड़ा बहुत ठीक था। तो अभी फिलहाल चौथा अप्रैल को पता चला कि क्रिएटिन में कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर हम लोग गया था उड़ीसा पर, तो उधर बोला कि आप लोग को डायलिसिस कराना पड़ेगा। फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न आने के बाद गया था हम लोग PG, उधर भी यही रिपोर्ट बोला आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। फिर हम लोग का नजदीक में डॉक्टर है खड़गपुर में, BB राज, वो भी बोला कि आप लोग को डायलिसिस कराना पड़ेगा कि नहीं तो ट्रांसफरेंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग पता करने रहा कि कहाँ जाना होगा हम लोग को। तो उसके बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग नज़दीक में खड़गपुर से आया था केशव महतो बोल के, ठीक है पेशेंट। तो हम लोग को बताया कि आप लोग जाइए उधर बनारस में बिकाया रकम में, उधर जाने से आपका पूरा मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्रिएटिन। उधर हम लोग को बोला, पता चला तो हम लोग आया इधर, ठीक है। इधर आने के बाद अभी शुरुआत में जो हम लोग का इलाज किया तो उसमें तो कुछ पता नहीं चला। जो हम लोग का फास्ट रिपोर्ट हुआ उस टाइम इधर पता चला कि 9.59 है क्रिएटिन। उसके बाद इधर जो लगा 2-3 दिन दवा खाने के बाद जो रिपोर्ट आया उसमें आया मेरा 7.25। उसके बाद लगातार दवा खाया इधर, उसके बाद लास्ट जो रिपोर्ट आया अभी 5.29। हाँ, अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। हाँ, यहाँ का इलाज में संतुष्ट है, बहुत बढ़िया है, दवा भी काम किया है। हाँ, डॉक्टर बी के चौरासिया का इलाज अच्छा लगा है हम लोग को। देखिए, आयुर्वेदिक दवाई में जो है इलाज करने के बाद आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, कमजोर नहीं हो जाएगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। विप्लव महतो अब बहुत अच्छा महसूस करने लग गए थे, उन्हें बी के आरोग्यम के उपचार से बहुत लाभ मिल रहा था, वो काफ़ी संतुष्ट थे और दोबारा अपना नया जीवन सही से जीने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, इनकी बातें भी सुनी। एडमिट के दौरान भी इनका क्रिएटिनिन कई पॉइंट कम हुआ, और यहाँ तक कि यहाँ से जाने के बाद भी इनका क्रिएटिनिन और बैक किया। जैसा कि अक्सर होता है, पेशेंट्स को लगता है अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है,
और पेशेंट्स गलतियाँ करते हैं, वो मेडिसिंस बंद कर देते हैं, वो डाइट में गड़बड़ी करते हैं, वो लाइफस्टाइल में गड़बड़ी करते हैं या और इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं और परिणाम अक्सर बहुत ही नुकसानदायक होता है। इस गलती का परिणाम कुछ लोग अपनी जान दे के चुकाते हैं, कुछ लोग अपनी हालत खराब करके, और तब दोबारा हमारे पास आते हैं कि हम दोबारा उनकी हेल्प कर पाएं। और ऐसा ही कुछ हुआ विप्लव के साथ। उनका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा घट के लगभग नॉर्मल स्टेज तक जा चुका था, लेकिन फिर वो क्रिएटिनिन बढ़ के 5 से भी ऊपर चला गया और उनके यूरिन से ब्लड आना शुरू हो गया। बड़े ही इमरजेंसी कंडीशन में वो वापस दोबारा हमारे पास चल के आए। एज अ डॉक्टर, हमें पहले आपकी जिंदगी प्यारी होती है। चलो, आपने जो भी गलतियां की, हम तो आपकी लाइफ ही देखेंगे, लिहाजा हमने इनको दोबारा एडमिट किया ताकि इनको हम रिलीफ दे पाएं। और कुछ ही दिनों के इलाज के बाद इनकी क्रिएटिनिन को हमने फिर से बैक करके 5.52 से घटा के 3.14 कर दिया और साथ ही साथ यूरिन से जो ब्लड और बाकी समस्याएं जा रही थी उसको दूर किया। भोजन नहीं कर रहे थे, उल्टियां हो रही थी, हालत खराब थी, उसको हमने मेंटेन किया, फिजिकली फिट किया। क्या हुआ इनके साथ एग्जैक्टली, आप इनकी बात फिर से सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव महातो है, पेशेंट का नाम है विप्लव कुमार महातो। हम लोग आए हैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर से। हम लोग का पहले से किडनी का समस्या था तो हम लोग पहले इधर जांच कर चुका था, इधर इलाज किया था हम लोग लगातार 10 दिन। इलाज करने के बाद हम लोग का क्रिएटिनिन सही चल रहा था। हम लोग का छुट्टी लेके गांव गया था, फिर अचानक प्रॉब्लम हुआ था, यूरिन में ब्लडिंग काफ़ी होने लगे, तो फिर हम लोग दोबारा इधर आए थे। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा हम लोग का। तो इधर जब दोबारा हम लोग आए थे तो क्रिएटिनिन था 5.52, ठीक है। उसके बाद फिर लगातार हम लोग का ट्रीटमेंट चल रहा था तो अभी 9वां दिन में हो गया है 3.14 क्रिएटिनिन, ठीक है। वो इलाज करने के बाद, कुछ दिन दवा खाने के बाद डॉक्टर साहब बोल रहा कि वो ठीक हो जाएगा। एलोपैथिक में आपका साइड इफ़ेक्ट होता है और इस आयुर्वेदिक में उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कमज़ोरापन नहीं आता है। आयुर्वेदिक दवा ठीक चल रहे हैं एलोपैथिक से। क्रिएटिनिन भी घट गया है हम लोग का, अभी थोड़ा मरीज भी अभी ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद सिर्फ एक था कि मैं आपको बता सकूं कि बी के आरोग्यम पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। हमने वो प्रोटोकॉल, वो सिस्टम, वो मेडिसिन डेवलप कर ली है जिससे हम डायलिसिस को बंद कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट को रोक सकते हैं, क्रिएटिनिन को बैक कर सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी दे सकते हैं, बशर्ते आपको वो मानना पड़ेगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर हमारे बताए गए इंस्ट्रक्शंस आप 100% फॉलो करें, हमारे बताए गए डाइट और प्रोटोकॉल को फॉलो करें, तो डायलिसिस नहीं हुई तो नहीं होगा और हो रही है तो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो बंद हो चुकी डायलिसिस फिर शुरू हो सकती है या विप्लो जैसे खराब कंडीशन में जा सकते हैं। तो मैसेज आपके लिए सिर्फ एक है कि अगर आप हमारे यहाँ इलाज करिए तो उस बताए गए चीज़ों को फॉलो करिए और हमारे हजारों पेशेंट्स की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जिए, बजाय इसके कि आप उन कुछ पेशेंट्स की तरह मिस्टेक करें जो छोटी सी लापरवाही के चक्कर में अपनी जिंदगी और हमारा नाम दोनों खतरे में डालते हैं। कोई क्वेश्चन हो दोस्तों, कोई प्रश्न हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। कोई और प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको उसके बारे में आंसर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।